और वो हम पहुंच गए लक्षद्वीप। तो फाइनली सबसे पहला इंसान क्रूज से जो कदम रखा है कडमट आइलैंड में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो मोटा मोटी ये बात है कि अभी लक्षद्वीप में बहुत धमाल होने वाला है, मस्ती होने वाला है, फन होने वाला है, क्योंकि वाटर एक्टिविटीज के साथ साथ हम एक्सप्लोर भी अच्छे से करने वाले। वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ लक्षद्वीप, और इस वक्त मैं हूँ लक्षद्वीप के कडमट आइलैंड में। ब्यूटीफुल सा आइलैंड है जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल से बीचेस भी मिलेंगे। एक ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कडमट बीच रिसोर्ट। तो ये जो रिसोर्ट है ना, उसका ये सब सीन है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, क्लब हाउस हो गया ये, और ये क्या है, स्टोवेज हॉल, यहाँ पे कैफेटेरिया है जहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है। एक बात ये है कि यहाँ पे ना जैन फूड अवेलेबल नहीं होता है, वेज या फिर नॉन वेज दो ही ऑप्शन रहते हैं, लेकिन कॉर्डिलिया क्रूज में आपको जैन की भी सुविधा होती है। तो ये रहा कैफेटेरिया। ये मैडम जी आप क्या बना रहे हो? कटलेट, वेज कटलेट। अच्छा बढ़िया, वो रहे सब कटलेट वेज। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो मैंने सारी चीजें बताई कि कैसे आप भी लक्षद्वीप ट्रैवल कर सकते हो, नो मैटर अगर आपको कॉर्डिलिया क्रूज का पैकेज लेना है जिसमें एक दिन आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, या फिर अगर आपको 5-6 दिन के पैकेजेस भी लेने हैं तो आपको पता है कि बाय फ्लाइट या फिर बाय शिप, मैंने जो भी है जैसा भी है सारी डिटेल्स पहले वीडियो में दे दी थी गोवा टू लक्षद्वीप के। जो मैंने पैकेज बुक करा है वो किया है गोल ट्रैवल्स कोचिन से, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बता दूं कि अगर आपको लक्षद्वीप का कभी भी पैकेज बनाना है ना, तो गोल ट्रैवल इज रियली द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इनका गवर्नमेंट बॉडीज के साथ टाई अप है। आज पूरा दिन हम लक्षद्वीप में है जहां हम वाटर एक्टिविटीज करने वाले हैं और जहां हम ये ब्यूटीफुल सा कडमट आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन सा ये बीच है। पानी की अगर बात करूं तो इतना कलरफुल नहीं हो, टर्क्विश ब्लू या ग्रीन वैसा नहीं है जैसे मॉलडीव्स में दिखता है, लेकिन साफ बहुत है, क्लियर क्रिस्टल है। और ये देखो आप बीच, एकदम प्रॉपर व्हाइट सैंड बीच। आहा, यहाँ पे आपको जो भी भीड़ दिखेगी सारे कॉर्डिलिया क्रूज से उतरे हुए पैसेंजर्स है जो शाम तक यही रहेंगे और फिर निकल जाएंगे वापस क्रूज की तरफ। अगर आपने पहला वीडियो देखा ये तो आप जानते ही हो नवदीप भाई मेरे साथ है, तो हमारी ये ट्रिप साथ में है। रितिका होने वाली थी मेरे साथ बट लास्ट मोमेंट पे नेम कट करके नवदीप भाई की एंट्री हो गई ट्रिप में। तो गाइस ये जो कडमट आइलैंड है ना लक्षद्वीप का, इसी तरीके से लक्षद्वीप काफी खूबसूरत है। जैसे ये खूबसूरत सा आइलैंड है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लू टर्क्विश कलर का पानी, व्हाइट सैंड बीचेस। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, हमें फॉरेन जाना प्रीफर करते हैं, हम मॉलडीव्स चले जाते हैं, जबकि ये मॉलडीव्स के टक्कर का है। इनफैक्ट मैं खुद मॉलडीव्स गया, मैं दूसरों की क्या ही बात करूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक तो गवर्नमेंट अपनी जो है मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट लक्षद्वीप में थोड़ा सा फोकस करे, अपस्केल करे ना टूरिज्म को, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी मॉलडीव्स के टक्कर के रिसॉर्ट्स बन सकते हैं और हम इंडियंस या फिर दूसरे फॉरेन के लोग ना इंडिया में भी आना शुरू कर दे, लक्षद्वीप में आना शुरू कर दे। एनीवेज लेकिन एक दिक्कत क्या होती है ना, ये देखो मॉलडीव्स वगैरह में आपको ये सब कचरे नहीं मिलेंगे, ये जो पानी की बोतलें है ये सब है। हम इंडियंस की यही एक दिक्कत है कि अच्छी जगह हो कि बुरी जगह हो, गंद तो फैलानी ही है। हमें ये सिविक एजुकेशन पता नहीं कब प्राप्त होगा, कब सरकार एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा और इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी ताकि के हमें सिविक एजुकेशन के बारे में प्रॉपर सा ये पता चले। आप विश्वास नहीं करोगे, मॉलडीव्स वगैरह में मैं गया था, वहाँ पे लोकल्स खुद क्लीन करते अपने जेब के पैसे खर्च करके ताकि के नेचर की ब्यूटी बरकरार रहे, हमें उसकी कदर फिलहाल कम है। नो मैटर इतनी कुदरत ने हमें खूबसूरत सी जगह दी है इंडिया में, हमारे देश में, राइट, लक्षद्वीप, लेकिन हमें कदर नहीं है। ये क्या है भाई, पूरा कॉर्डिलिया उतर गया क्या अभी? पहले तो इधर से जब गुजरे थे इतनी भीड़ तो नहीं थी, अब तो आप देख रहे हो, अरे बाप रे। समुंदर में चलाएंगे ना एक्टिवा को? समुंदर में अंदर नहीं भाई, वो अब तक स्नोकेलिंग वाटर एक्टिविटी थोड़ा बाद में कर लेंगे, एक्टिवा पे करनी है मेरे को, एक्टिवा पे स्नोकेलिंग करनी है। फिर तो भाई एक काम करो, आप वापस कॉर्डिलिया क्रूज जाओ, वापस सो जाओ और सपना आएगा आपको, उसमें हो जाएगा आपका काम। वैसे तो आइलैंड टूर करने का समय हो गया था लेकिन थोड़ा सा टाइम बाकी है जिससे हम आइलैंड के
यू नो रिसोर्ट के बाहर जा सके और आइलैंड टूर कर सके, तो तब तक हमने वाटर एक्टिविटीज करने की सोची है। हालांकि हम स्नोरकेलिंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार वही बात हो गई कि श्रीलंका में स्नोरकेलिंग किया था, उसके बाद मालदीव में स्नोरकेलिंग किया था। हाँ जी बोलिए। हाय हाय। ऐसा फॉरेन में जाता तो फॉरेनर्स कर लेते, इंडियंस ना थोड़े कम करते, लेकिन ये भाई मिल गए। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि स्नोरकेलिंग तो मॉलिज वगैरह में अच्छे से कर ली थी, यहाँ मुझे करनी है कायाकिंग। तो मैं और नवदीप भाई यहाँ पे कायाकिंग का निपटा देते, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे, फिर निकलते हैं बाहर आइलैंड टूर करने के लिए। एनीवेज ये बता दूँ कि यार पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन ये चीज़ हो गई कि मैंने एक तिलक लगा दिया मेरे चश्मे का। मेरा चश्मा किधर गुल हो गया, गायब हो गया, गुम हो गया, कोई आइडिया नहीं है। और देख लो हमें कौन मिल गए। रिगार्डिंग द फिटनेस मॉडल, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती है। लक्षद्वीप कडमट आइलैंड। ओके बैठ जाओ। चलो तो प्रस्थान कर दिए भैया, गिरते गिरते बच गए। तो आ गए हैं हम थोड़ा सा आगे बीच के, जहाँ पे पानी ज्यादा साफ है। अगर यहाँ देखूँ तो मैं नीचे काफ़ी देख पा रहा हूँ और कलर भी अच्छा है। और मैं कह रहा था कि डीजे है मेरा जो एक्शन कैमरा है वो स्विच ऑफ हो गया है और मैंने पावर बैंक लाया नहीं है। और बस वही बात है, अभी रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि सैमसंग के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही शूट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी कायाकिंग के मज़े ले लेता हूँ। ये देख लो कितनी लाइन लग गई है क्रूज में वापस रिटर्न के लिए। छोटी छोटी गाड़ियाँ आएगी, सबको धीरे धीरे करके लेके जाएगी वो टर्मिनल पे, जहाँ पे वो टेंडर बोट आती है और 90-90 लोग को लेके जाएगी वापस कौडिल्या क्रूज पे जो समुंदर में खड़ी है। तो भाई ये रिसोर्ट के जस्ट बाहर है, ऐसे लोकल्स आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लक्षद्वीप की स्पेशल जैसे कि हलवा, ये ऐसे नारियल का लड्डू, ये है 20 रुपए का। और ये कितने का है? हाँ 30 रुपए का। अरे यहाँ का स्पेशल वाला महंगा। तो ये इसमें क्या होता क्या है? इसमें होता क्या है? नारियल है। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये नारियल है, चीनी पाउडर है, चीनी पाउडर है। अच्छा ये वाला स्पेशल है? स्पेशल हलवा। ये भी स्पेशल जैगरी बनाते हैं उसके लिए, उसके अंदर जैगरी और नारियल, इसमें गुड़ और नारियल का मिक्सचर है। गुड़ ये सादा वाला नहीं, इसका नारियल से गुड़ बनाते हैं। नारियल का गुड़ बनता है, बहुत बढ़िया है, मजेदार है। नारियल का गुड़ है? सब केरला से आता है ना मैगी वगैरह। हाँ तो हमने दो मैगी बनवाई है और ये स्वीट खा रहे, उसके बाद नारियल पानी पी लेंगे, चंगा हो जाएगा काम। बता दूं कि मैगी है 60 रुपए की एक। दो मैगी है, भैया इधर जितनी भी कोई भी चीज नहीं है उससे कई गुना ज्यादा नारियल पानी के पेड़ है और नारियल है। कहने का मतलब है बहुत सारे नारियल है, लेकिन एक नारियल की कीमत है यहाँ पे 50 रुपया, बिकॉज यहाँ पे दूसरी चीजें कुछ मिलती नहीं है ना, या तो फिश या तो नारियल पानी और टूरिज्म के हिसाब से, इसलिए ये सब चीजें महंगी होती है। इस आइलैंड में क्या क्या है? लाइट हाउस, एग्री ऑफिस, ASO ऑफिस, GHSEM फिशरीज ऑफिस, इस तरफ देखूँ तो अच्छा फिश मार्केट भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, और यहाँ पे है पोर्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, PWD ऑफिस, एनिमल हस्बेंड्री, BSNL ऑफिस। यहाँ पे क्योंकि BSNL नेटवर्क ही पकड़ता है, वो भी 2G, 3G भी बहुत मुश्किल से आता है। ये हम निकल गए अपने रिसोर्ट से और जा रहे हैं, घूम रहे हैं गलियाँ कडमट आइलैंड के। आप देख सकते हो दोनों तरफ नारियल के पेड़, और मैं चारों तरफ भी बोलूँ ना तो कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज सारे ही जगह नारियल के पेड़ ही पेड़ है। यार मेरे को पता नहीं था कि कडमट आइलैंड इतना बड़ा है, आई मीन 11 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रेच है, 6000 लोग की पॉपुलेशन है, और तो और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सारी चीज़ें हैं। तो बस कडमट आइलैंड घूम ही रहे थे, बाय वॉक सोचे थे, 4 किलोमीटर का ही रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं था, ये पोर्ट पे चल के जा रहे थे, फिर बस वाले ने रोक दिया, मतलब जो बस जा रही थी उन्होंने कहा कि हेलो आप लोग ऐसा पैदल जा नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड, वरना पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या ही बहस करूँ, चलो बैठ जाते बस में। और फिर बस में बैठ गए
और हमें यहाँ पे पोर्ट पे उतार दिया जहाँ पे पीछे दूर कहीं कॉर्डिलिया क्रूज हाँ वो रही, वो टेंडर बोट हमें लेके जाएगी। एनीवेज अभी भी वक्त है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जा सकते हैं या फिर थोड़ा रुक के भी, मतलब अब बज रहे हैं 3 तो 4:30 तक टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.5-2 घंटा अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लोर कर नहीं सकते बिकॉज लक्षद्वीप में है ना कैसा रहता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये सब आइलैंड्स, तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोविड के भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए जिसके वजह से आप ऐसे घूम नहीं सकते हो अनलेस आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ पैकेज ना लो जिसमें परमिट्स वगैरह हो और उसी में इजाज़त होती है कि आप ऐसे घूम सकते हो। एनीवेज डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है ना वो गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटी के साथ टाई अप ही है, ट्रैवल एजेंसी कोची की, जिसकी मदद से आप अपना प्लान कर सकते हो लक्षद्वीप पैकेज कोई भी हो, 4 दिन 5 दिन वाला, फ्लाइट से हो, सी से हो या फिर कॉर्डेलिया से हो। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि हम तो पहुंच गए यहाँ पे पोर्ट में, लेकिन अभी जाते हैं आजू बाजू में ही कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, देखते रेट्स वगैरह क्या है या फिर देखते क्या करते है। हिंदी अच्छा नहीं है, कौन सी भाषा यहाँ बोली जाती है, मतलब तमिल और मलयालम? हमारा भाषा जैसरी है, जैसरी लिखना नहीं है। अच्छा बोली जैसरी बोलते उसको। अच्छा वो मालदीव्स की भाषा से मिलती है थोड़ी बहुत, थोड़ा भी तमिल मिक्स है, वो अरबी मिक्स है हमारा भाषा, अरबी और तमिल मिक्स है। अच्छा सही है, नहीं ये वाला आइस है, सिर्फ बर्फ है। पेप्सी? पेप्सी नहीं है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है, कितने का है? 5 रुपए का, दो ना एक, एक दो में। नवदीप भाई पेप्सी खाओगे? पेप्सी पेप्सी स्ट्रॉबेरी वाली पेप्सी, बर्फ वाली, बचपन में खाते थे ना हम। ये कहाँ बनती है, लक्षद्वीप में बनती है या कहीं से आती है? अच्छा कोची में बनती है, हाँ कोची में बनती है, कोची से यहाँ पे आती है। 5 रुपए की पेप्सी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। हाँ जी गाइस, तो पहुंच गए क्रूज में, तैयार भी हो चुका हूँ, शॉवर अच्छे से करा है, कपड़े चेंज कर दिए हैं, तैयार हो चुका हूँ और बस 1 घंटा और रुकेगी क्रूज ये पानी में लक्षद्वीप के बाजू में और फिर यहाँ से रवाना हो जाएगी, क्योंकि थोड़े बहुत गेस्ट और भी आना बाकी है जो स्नॉर्केलिंग वगैरह या फिर जो लेट पहुंचे थे, क्योंकि हम तो 9:15 बजे यहाँ से निकल गए थे और तकरीबन 10 के आसपास पहुंच गए थे लक्षद्वीप के काडमट आइलैंड में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 1 बज रहा था 2 बज रहा था लोग आ रहे थे क्रूज से वहाँ पे आइलैंड पे, तो जो देरी से पहुंचे हैं वो जाहिर सी बात है देरी से वापस आएंगे। 1-1.5 घंटा और रुकेगी क्रूज, फिर रवाना हो जाएगी मुंबई के लिए जो कि परसों सुबह 7 बजे पहुंचाएगी मुंबई। अभी भी वही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बढ़िया वीडियो थे आपका, मैंने मालदीव्स और हिमाचल दोनों का देखा है ना, वही लेटेस्ट है। चलिए आपका नाम क्या है? माय नेम इज अभिमन्यु। अभिमन्यु कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश, बढ़िया है यार। क्या हाल है, बाकी मजा आ रहा है कि नहीं? कहाँ से, मुंबई से चढ़े कि गोवा से चढ़े? आई बोर्डेड दिस ट्रिप फ्रॉम गोवा। अच्छा गोवा से, हम भी गोवा से ही चढ़े थे। हाँ लक्षद्वीप हुआ है आप? हाँ हुआ है। कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, मजा आ गया। मजा आया ना? वहाँ पे एक और आइलैंड दिख रहा है, पता नहीं उसका नाम क्या है। वही बात है लक्षद्वीप में देयर लॉट ऑफ आइलैंड्स, बट वही बात है कि कॉर्डिलिया का ना सिर्फ इस काडमट आइलैंड के साथ जुड़ा है, टाई अप है और उसमें भी आप घूम नहीं सकते, सिर्फ वो एक आइलैंड रिसोर्ट में ही रुक सकते हो, बाहर तो जा नहीं सकते। आपको परमिशन वगैरह प्रॉपर पैकेजेस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट बॉडीज से। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा ना तो ये पक्की बात है बाय फ्लाइट आऊंगा और अच्छे से लक्षद्वीप घूमूंगा। अब पता नहीं कब आऊंगा, जब भी आऊंगा 5-6 दिन का पैकेज लेके अच्छे से लक्षद्वीप के 4-5 आइलैंड टूर जरूर करूंगा। ये देखो काडमट आइलैंड, यहाँ से कहाँ से, हाँ यहाँ से कहाँ तक है, ओ वहाँ तक 11 किलोमीटर का बेल्ट है ये, यहाँ से पूरा दिख रहा है। लेकिन
तो बस गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आने वाले वीडियोस आपको और भी शानदार लगेंगे, मजेदार लगेंगे। और अभी जो कॉर्डिलिया क्रूज में है ना, आज की रात और कल पूरा दिन पूरी रात यही पे, और बस कॉर्डिलिया क्रूज का अभी क्या ही एक्सपीरियंस कितना बताओ। अगर आपने पिछली सीरीज देखी है जिसमें तीनों वीडियोस कॉर्डिलिया क्रूज के थे, तो मुंबई गोवा मुंबई के, तो आपको पता ही है सारी चीज़ें मैंने थिएटर कसिनो खाना पीना सब बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो अभी बस मेन फोकस था लक्षद्वीप को बताना, और दोनों वीडियो में यही ट्राई किया है कि लक्षद्वीप का आपको सारी जानकारी दे दूँ जितनी भी मुझे पता है, जितना मैंने अनुभव किया है आइलैंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।